करने के लिए इंजीनियर जो भी दिखेगा तुमको उसके हाथ में खाए से दे, जैसे ये देख रहे होंगे। तो कभी भी अभी का लॉकडाउन भी वैसे ही है, लॉकडाउन का रिस्ट्रिक्शन ज्यादा। गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। सो कल मेरा लास्ट पेपर है और उसके बाद होप सो ऐसा हो सके कि मैं रोज या फिर हर दो दिन के बाद मैं एक ब्लॉग डाल सकूँ, क्योंकि आपको भी पता है अभी पैंडेमिक के कारण अभी वापस से लॉकडाउन इम्पोजमेंट हुआ है हमारे यहाँ, तो बाहर कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो बाहर का कुछ प्लान्स थे बट वो अभी कैंसिल हो चुके हैं, और जब ये सब खत्म होगा तो उसके बाद होपफुली ऐसा हो सके कि मतलब बाहर निकल सके, तो कुछ अच्छे जगह ट्रैवल्स होते हैं तो अच्छा रहेगा कि आप लोग को भी मैं एंटरटेन कर पाऊँ उस ब्लॉग के थ्रू। सो मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आफ्टर एग्ज़ाम मैं आप लोग को थोड़ा एंटरटेन कर पाऊँ, ताकि आप लोग भी अगर घर पर बैठे हो तो बैठे बैठे आप लोग को थोड़ा एंटरटेन हो। सो मैं अभी जा रहा हूँ फटाफट से ऐसे मयूरकिया, और मयूरकिया मैं क्यों जा रहा हूँ वहीं जाके बताऊँगा कि थोड़ा मेरे काम है तो वहीं जाके बताऊँगा। तभी मैं निकल रहा हूँ, फ़ोन किया था अभी वो भी सब तैयार है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहीं पर मिलकर मैं आपसे बात करता हूँ। चलो चलो चलो। अभी यहाँ पे हम पहुँच चुके थे और यहाँ पे भी होने वाला है हमारा थोड़ा काम, और जो भी काम होगा वो तो आगे आपको देखने मिलेंगे ही। और सीन ऐसा था कि दोनों साथ में थे और यहाँ पे भी बहुत अच्छे मतलब हमारा जो जितना भी प्रोजेक्ट का काम था भी यहाँ पे होने वाला है वो, और जो भी आगे होगा वो प्रोजेक्ट में आपको भी पता चलेंगे कि हमारा किसके ऊपर में प्रोजेक्ट चालू है। चलो चलो चलो। ये बैकग्राउंड कैसे लग रहा? फ़ोन नंबर पासवर्ड वासवर्ड तो वैसे रहने वाला, बैकग्राउंड में कलर कौन सा दे अपन वो बता, अपने को कलर कोड में चेंज करने का है। मैं तो बोलता इसमें नहीं क्या नारंगी और हीरे कलर मिक्स कर दे तू। अच्छा मतलब इंडियन ट्राई कलर तुम लोग का लग रहा होंगे क्या चालू है। तो एक्चुअली में प्रोजेक्ट है जो इसमें डेवलपमेंट चलता है, ये एंड्रॉइड जो सीएसई जो करते हैं कंप्यूटर साइंस उनको पता होगा, तो आराम से कर सकते हैं उसमें कोई इशू। ये पूरा कोडिंग होता है। तू बोल रहा नारंगी और ग्रीन बराबर, और ये यहाँ पे दूसरा इंस्टॉलेशन चालू है। अरे ये लाइनर लेआउट जो ये अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन चालू है, इसको करना पड़ेगा एग्री नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल यहाँ पे भी चालू हो गया। तो ये इस तरीके से मैकेनिकल वालों के चलते हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि अभी क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और आप लोग को लग रहा होगा बेसिकली कॉलेज का प्रोजेक्ट है, तो ये कॉलेज का नहीं है, ये दूसरे भी जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसका ये सब चल रहा है। इसके आगे कोड करता नेक्स्ट कोड पे चलता ना। लॉगिन एक्टिविटी। मेरे को एक चीज़ पूछना है, अगर किसी को अपने प्रोफेशनल डिग्री भी लेना है और प्रोफेशन भी फॉलो करना, तो उसको क्या करना चाहिए? भाई इंजीनियरिंग कर ले, बहुत स्कोप है। बस इंजीनियरिंग कर ले, बहुत स्कोप है। देखो जो करते हैं वो तू कर सकता है, प्रोफेशन भी फॉलो होता तेरा और पैशन भी फॉलो कर सकता है। बस इंजीनियरिंग ले ले तू एक बार। ये ऐसा ही है कि जिसको अपना प्रोफेशन फॉलो करना है ना वो इंजीनियरिंग करते हैं, और इंजीनियरिंग भी ज़्यादातर वो लोग करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ये जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके हैं, चल रही है। मेरे को एक चीज़ पूछना था, अपना M3 और M4 कितना टाइम में निकला है? मिनिमम 5। तो 5 इस तरीके से अगर आप लोग को लगता होगा कि इंजीनियरिंग में मैथ्स बहुत ईजी है, कॉमर्स में हार्ड होता है, तो वैसे नहीं रहता। इंजीनियरिंग में भी मैथ्स वैसे ही रहता है जैसे कॉमर्स में रहता है। कॉमर्स में सब्जेक्ट अलग रहते हैं और हमारे भी सब्जेक्ट थोड़ा अलग रहते हैं, लेकिन हमारे इसमें जो डिफरेंशिएट हमको जो करने पड़ते हैं वो एक अलग लेवल होता है, वो एक अलग लेवल पे वाइब होता है मैथ्स की निकलते हैं। और बहुत जन तो मतलब मैथ्स के कारण ही बहुत जन के बैकलॉग लगते हैं, बहुत जन उससे DC भी होते हैं, वो भी है बहुत जन। ईयर गैप हुआ भी है बहुत जन का। एग्जाम्पल मैं ही हूँ। तो ईयर गैप भी होता है। और एक चीज़ और है, सबसे अगर तुम देखोगे मैकेनिकल इंजीनियर की खासियत होती है, जितने भी लोग मैकेनिकल करते हैं वो लोग ना अगर हल्का सा देखेंगे तो थोड़े शांत हो जाते हैं, फिर सहमे से होते हैं थोड़े शांत होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग इतनी मारी हुई रहती है इनकी, ये कुछ बोलने लायक नहीं रहते। मैकेनिकल इंजीनियर जो भी दिखेंगे तुमको उसके हाथ में खासियत है, जैसे ये देख रहे होंगे। तो कभी भी सोते उठते जितने भी बार है ये लोग ना कुछ लेके घूमते ही रहते हैं, जहाँ मिली जहाँ जो मशीन मिली खोल के उसको ऊपर में अपना काम चालू कर देते। ये था
कि जीतने का मैकेनिकल था और उस पर आईटी कंपनी में जॉब लगी थी, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा मैं कि फिर बाद में इशू आता है। तो वहाँ का एक्सपीरियंस क्या था आईटी कंपनी का? एक्सपीरियंस तो भाई बहुत ज़बरदस्त था। पहले जब हम लोग गए तो खबर नहीं थी हमको काम क्या करना है, क्योंकि भाई आए मैकेनिकल से, पढ़ाई जिंदगी भर की मैकेनिकल की, जॉब लग गई आईटी की, करना क्या था ये कुछ समझ नहीं रहा था। पहले कैसे तुम शुरू हुआ जी, गए बैठे रहे, बता नहीं रहे काम क्या करना है, ट्रेनिंग वाला आके बोलते हैं कुछ नहीं आज मौज करना है, बोले बस बैठे मौज कर लिए एक दिन। फिर आए दूसरे दिन की बात, तब वो बताता है कि भाई तुम्हारा काम रहेगा लॉजिस्टिक के वेबसाइट को हैंडल करना। तो लॉजिस्टिक का वेबसाइट हैंडल करना है, ठीक है। रातों रात किसी न किसी को फ़ोन कौन करता है? दुकानदार को। हम करते थे, फ़ोन करते थे रात को फ़ोन, भाई दुकान से माल निकाल, ट्रक लग रही है तू माल भी, क्योंकि काम ऐसा होता था वहाँ पे वेयरहाउसिंग नहीं रहती थी। वेयरहाउसिंग के चलते हम लोग ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स रहते थे वो ज़्यादातर दुकान से उठाते थे। हम लोग फ़ोन कर रहे हैं रात को, दिक्कत तो ये आती थी जब भाई बोलते थे कि आपको कुछ कोडिंग करना है। कोडिंग करे तो करे क्या, क्योंकि ना लैंग्वेज पता, ना इंट का फुल फॉर्म पता, ना ये पता भाई कि उसने प्रिंट कब फुल फॉर्म किया, क्योंकि हमने तो सी प्लस प्लस के क्लास में हमने बंक किए थे। सबसे माहौल सीन हुआ था भाई एक बार जब आए थे रात को, पूरे भारी भरकम टारगेट्स भाई पूरे कर दें आज के आज कॉल्स। टारगेट में लोग लगा रहे, लोगों को कॉल नहीं लग रहे, कंपनी बोल रही भाई तुम्हारे कॉल लग के नहीं रहे, सब भाई बोलते थे नॉट कनेक्टेड। ठीक है बोले वापस लगा तो लिया। अब लगाने के बाद जब पूरी लाइन खत्म हुई तो बोले अब किसको लगा तो क्या। मयूर को जिंदा किया मैंने उस समय, दीपक को जिंदा किया मैंने उस समय भाई, उसके लिए भाई रातों रात फोन कौन करता है, दोस्तों को भी चार फोन पहले दोस्तों को मिला रहा फिर मेरे को लग रहा है भाई उसके लिए बता रहा प्रोडक्ट बुक किया। अब कैश ऑन डिलीवरी थी, बुक किया, प्रॉब्लम आ रही, कस्टमर केयर पे फोन कर रहे भाई, 6 से 7 बार कॉल किया कोई अलग है उठा रहा, फिर जब भाव का नंबर लगा बोलते कुछ भी कर, मैसेज डालता भाऊआ पर्सनल नंबर से, भाई कुछ भी कर, आधा घंटा बात कर कुछ भी, वो प्रोडक्ट को लेके प्रोडक्ट की डिटेल्स नहीं मालूम, पूरा एक्सप्लेन किया। अब आया इसने जब एंड करने की जब बारी है तब इसने थोड़ा उसमें अप्रिशिएशन दे दिया मुझे, ठीक है दे तो दिया, हैव अ गुड डे बोले। अरे भाई नाइट चालू है बोले, कौन सा डे बोले, बात वो नहीं थी वहाँ पे हैव अ गुड डे हुआ करके, मैंने जब वो कॉल आगे अप्रिशिएशन के लिए भेजा तब वो कॉल ऑडिट हो गई। हाँ ऑडिट हो गया, सबसे पहले क्वेश्चन ये आया कि ये दोस्त, ये हमें तुम्हारा दोस्त लग रहा करके। मैंने बोला ठीक है आप उसको वेरीफाई करो, अगर वो मेरा दोस्त है तो उसका नंबर और चेक करो, आप कॉल को चेक करो कि उसका कुछ बातें ऐसी मुझसे मिल रही है कि मुझसे प्यार मोहब्बत से बात करो, या बाकी लोगों से उसने बात किया होगा फिर बाद में मेरे से आके मुझे अप्रिशिएशन करा है, बात करो आप उससे कि ये तो नहीं। पर ऑडिट करने के बाद में इतना जरूर हुआ कि मैनेजर ने बुलाया, उसको भी बात समझ गया था कि मैंने अप्रिशिएशन के लिए कहीं से कुछ तो भी जुगाड़ किया कर लिया। मैनेजर बोलता कि भाई कुछ तो भी गड़बड़ होते इस कॉल में, क्या करें समझ, ये बात बोले बहुत प्यार मोहब्बत से नहीं हो रही ज्यादा बोले। हाँ सही, तो हर कस्टमर से मैं ऐसी बात करता हूँ, हाँ मगर हर कस्टमर इतने अच्छे से अप्रिशिएशन नहीं देता बोलती है। अब बात ऐसी आ गई थी कि अप्रिशिएशन के लिए अप्रिशिएशन पर मिले थे सभी को 500 रुपये एक जन से। हाँ कौन अपने पेमेंट में 4 अप्रिशिएशन लेके भाई जिसको 15,000 मिल रहा है, 15,000 की जगह कोई उस महीने की वो नहीं अपना मतलब बोल सकते 17,000 ना कमाए, इंसेंटिव किसी को 4 मिल रहा था, मतलब किसी का 4 अप्रिशिएशन आ रहे, किसी के 6 अप्रिशिएशन आ रहे, कोई दिन का तकरीबन 100 कॉल उठा रहा है, 100 कॉल उठाने के बाद उसको 10 अप्रिशिएशन मिल रहा है, मतलब एक दिन में तो कमा दे रहा है वो 6 रुपये। और मैंने एक ही अप्रिशिएशन के लिए डाला तो इतना बवाल मच गया। मैंने बोला ऐसा क्या है सर, बोला मुझ में जो मेरे ही कॉल पर इतना ऑडिटिंग हो रहा है, बोला नहीं बोले तेरे कॉल पर बोले किसी को शक गया, मतलब किसको शक गया बोले सर, बोले तेरे को दूसरे टीयर को भाई सर देखो, बोला उससे पहले मेरी कुछ अच्छी जमीन ही बोला स्टाफ पर फर्स्ट डे से बोला सर, और पूरे जैसे 6 महीने वो बंदा ऐसा था भाई, पूरा था लड़कियों को चिपकने वाला, और उसकी टीम में सब चिपकू लोग रहे और उसकी टीम में उसको मिल गए थे सब लड़के लोग। हाँ।
और जमानी जमानी उसको। अब बाकी सब जो थे उसकी सुनते थे। मैं अपने समय से आता था और अपने समय से जाता था। वो बोलता था कि भाई तेरे को ये मेरा भी काम लेना है करना है। मैं बोलता था नहीं टाइम हो गया मैं जा रहा हूँ, पीछे शट डाउन हो चुका है। फिर भी बोलता था वापस लॉग इन करो, जो कि रूल के खिलाफ था। क्योंकि अगर ऐसा भी नहीं कि उस रूल के ऊपर भी मेरी किसी ने बजाई नहीं करी, बजाया गया उसको भी। कि मैंने एक बार ऐसा भी हुआ कि मैंने रात को 9 बजे भी कस्टमर को कॉल मारा और वो कस्टमर निकला किसी स्टेट किसी आई डोंट नो बट किसी हाई कोर्ट का जज निकला वो। और जो उसने उस दिन धाराएं बताई ना मुझे, उस दिन उस मैनेजर ने भी हाथ जोड़ लिया, भाई तू मत कॉल करना, मेरा समय होगा तेरा समय होगा तू चले जाएगा। पूरे कानून की किताबें पढ़ ली, मेरा समय होगा तू चले जाएगा बोले। मैंने नाम फंसाया था इसका टीएल का, कि टीएल बोला था, टीएल बोलता मैं सुपरवाइजर को बोला था। अब इस लपेटे में सब आ गए, अब सब आ गए, सबकी नौकरी पे बात आ गई। तब से वो पुराना टीएल चिढ़ता है मेरे पे। तो बोले उसने बोल तेरा नाम दिया, बोले आगे में कि इस कॉल को ज्यादा ऑडिट करो बोले। सर बोला मेरा सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है बोला, उसमें से 500 रुपए मेरे को बोला, मेरे को 500 रुपए किसका छीनना बोलते। ये तो वही हो गया कि सर को मिला भी नहीं था क्या कि मिला था, मगर वो समय के साथ नहीं आया था, वो समय के बाद आया था। जिस महीने दिवाली के समय में भाई खर्चा रहता है वो टाइम दिवाला निकल गया। प्रसन्नजीत सिंह को जानते क्या? अपन इसको कभी प्रसन्नजीत बोले नहीं ना। सर बोले ये प्रसन्नजीत सिंह नहीं बोले आपको हमारे कस्टमर के ऐसे फोन आया था। बोला भाई कस्टमर केयर वाले के नाम याद रखो तो बहुत हो गया। बोला इंजीनियरिंग ना निकल जाए मेरी। अगर इतनी अंदर शार्प होती एमसी गायब बैग लेके रहते तो 4 से 5 बार अटेम क्यों देते थे। क्या बोलो? नहीं सर बोले बस कंफर्म कर। मैं तो भाई बोला तू अपने एम्प्लॉय से कंफर्म करना, मेरे से काहे कर रहा है। उसको ही लिए थे हमने लपेटे में। मेरे को एक बार वो बीच में कॉल आया था तो वो क्या बोला आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। बोले बोला अच्छी बात है। तो क्या बोले फॉर क्वालिटी पर्पस होता है बोले सर। बोले बोला ठीक है। तो उससे बात होती है फिर आखिरी में उसने बोला था कि सर बोले फीडबैक दे देना। बोले बोला सर बोला कहेगा फीडबैक देना। तो बोले सर बोले मैंने आपसे बात किया तो आपका अच्छा लगा क्या? बोला सर एक जेन्युइन चीज़ है। तो बोले क्या? बोला मेरा टाइम बर्बाद हुआ। बोला बोले क्यों? बोले बोला सर कॉलेज का प्रैक्टिकल में। तो क्या होता आपने बोला क्यों नहीं कि बोले प्रैक्टिकल का था फोन करो? बोला सर मैं नहीं चाहता बोला कि बार बार आप मेरे को परेशान करो। मतलब ये देख मैनेजर और टीएल को क्या पता है कि उनको अपने काम से मतलब है। सिंपल बात है। अगर भाई मान ले कर्फ्यू चल रहा है तो अभी का लॉकडाउन देखा ना कल जो आया, अभी का लॉकडाउन कैसा है? लॉकडाउन का रिस्ट्रिक्शन ज्यादा नहीं। तो एक बेस्ट एग्जांपल देता उसके लिए। तू लड़का है, लड़की को तू प्रपोज कर रहा है, लड़की क्या बोलते तेरे को? आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। ये लॉकडाउन ही है। ये मेरे को नहीं, ये किसी और को बहुत बार बोला गया। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर वो तुम तो। इसीलिए तो एग्जांपल वही दिया था मैंने। अभी का लॉकडाउन भी वैसा ही है। लॉकडाउन का रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है बेटे। प्रोजेक्ट का पूरा काम हो गया है, अब यहाँ से फटाफट से घर भी बढ़ना है क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आज हमारा वो फुली पूरा पूरा काम अच्छे से हो गया, अब यहाँ से भी फटाफट से घर बढ़ना है। और आप सभी को बताऊंगा जैसे भी IPL चालू हो गया है तो अभी सब जन मैचेस में देखने में बिजी होंगे तो अच्छा है। और आज से 8 बजे से यहाँ पे भी लॉकडाउन इम्पोज हो रहा है तो सोचे कि थोड़ा जल्दी घर जाते ताकि 8 बजे के बाद तो मतलब शायद ऐसा भी हो सके कि रस्तों पर जाने ना मिले, इसलिए जल्दी थोड़ा घर पहुँचेंगे। चलो चलो चलो।
गाइस आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, स्टोरीज बहुत अच्छी लगी होंगी क्योंकि ये हमारे बहुत पुराने किस्से हैं जो आज डिस्कस हो गए थे, मतलब काम काम में बातों बातों में निकल गई सब चीज़ें। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सकूँ। सो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाओ, ऐसा तो शेयर करो और यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो लाइक करके जाओ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, फिट द वर्सेल्फ विद अदर्स एंड टेक केयर। बाय बाय।